नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। 21 जून को रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए मामा ने शुरू के दिनों में बस 1000-2000 लोगों को टीका लगवाया। टारगेट वाले दिन शिवराज मामा ने सीधे 17 लाख के करीब लोगों को टीका लगाकर अपने दिल्ली वाले भांजों को खुश कर दिया। और उसके बाद मोदी जी का रिकॉर्ड बनाने के मामू ने और भी बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो मामा ने ये किया है कि उन्होंने 13 साल के बच्चे को भी टीका लगा दिया है। जी हाँ, अभी तक देश में कहीं भी 18 साल से कम उम्र के लोगों को टीका नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे मामा ने भोपाल के 13 साल के वेदांत डांगरे को भी टीका लगा दिया। सही में नहीं जनाब, बस कागजों में। पिता से ज़्यादा पुत्र की उम्र। वेदांत के पिता ने अभी अपना 50वां बसंत नहीं देखा है, लेकिन मामा ने उनके बेटे को सीधे 56 साल का कर दिया। मामा ने वो चमत्कार कर दिखाया जो आज तक कुदरत भी नहीं कर सकी। भोपाल की PGBT कॉलेज रोड पर रहने वाली नुजरत सलीम के साथ मामा ने एक अलग किस्म का भी चमत्कार कर दिया। नुजरत सलीम के पास भी मैसेज आ गया कि उनको टीका लग चुका है, जबकि हकीकत में नुजरत किसी टीका सेंटर तक गई भी नहीं। अब वो परेशान हैं कि जब वो टीका लगवाने के लिए सही में जाएंगी तो शिवराज मामा के अधिकारी मैसेज दिखाकर कहेंगे कि आपको तो टीका लग चुका है। मामा का चमत्कार, ये सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए और बड़े से बड़े चमत्कार किए हैं। एक आधार नंबर पर 55 लोगों को टीका तक लगाने का चमत्कार किया है अपने शिवराज मामा ने। खबर आ रही है कि मामा ने मुर्दों को भी टीका लगा दिया है। जी हाँ, जो लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं उनके बारे में जो खबर मिल रही है कि शिवराज मामा ने उनका भी नाम टीकाकरण वाले दस्तावेज में दर्ज कर लिया है।